मॉर्निंग बच्चों, आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसे महान योद्धा की कहानी बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को भी अपने ऊपर गर्व होगा कि मैं किस देश में रहता हूँ। आप सब लोगों को अपने देश का नाम पता है? Yes, sir. क्या नाम है आपके देश का? भारत। आपकी जो भारत भूमि है, यहाँ पे ऐसे ऐसे महान और वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है कि आप लोग अगर उनकी गौरव गाथा सुनेंगे तो आप खुद पे गर्व महसूस करेंगे कि आप किस देश में रहते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व की कहानी आज की क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों को उनका चित्र दिखाऊंगा, फिर आप लोग पहचान के बताइएगा कि क्या आप इनको जानते हैं। तो चलिए आप देखिए और बताइए, क्या आप इनको जानते हैं? Yes, sir. इन्हें पहचान रहे हैं? Yes, sir. क्या नाम है इनका? महाराणा प्रताप। ये चित्र है महाराणा प्रताप का, भारत भूमि के ऐसे महान शासक जिन्होंने अपनी वीरता से, अपनी बहादुरी से जो मुगल शासक अकबर था उसके दांत खट्टे कर दिए थे। अकबर का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। अकबर इनकी जो भूमि थी, इनका जो हिस्सा था, उसको हड़पना चाहता था, है ना। तो जाहिर सी बात है, जैसे अगर कोई बाहरी आदमी आके आपका घर अगर हड़पना चाहे तो आप उसको आसानी से दे देंगे क्या? नहीं सर। आप भी लड़ेंगे ना? यस सर। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि आपके देश में भी इस तरीके से अंग्रेज आए थे, है ना, और उन्होंने भारत देश को गुलाम बना के रखा था। तो महाराणा प्रताप इतने बहादुर थे कि अंत में अकबर को भी इनका लोहा मानना पड़ा। लोहा मानने का मतलब होता है इनसे हार मान लेना। और इनकी बहादुरी के पहले मैं आपको बता दूं इनके बारे में, इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ इस समय राजस्थान में है ना। और ये मेरे सामने जो चित्र है वो कुंभलगढ़ के किले का है, दिख रहा सबको? यस सर। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और ये बचपन से ही बहुत वीर थे। इनकी हाइट जानते हो कितनी थी? 7 फीट लगभग थी, 7 फीट से भी ऊंचे थे। इनका वजन था लगभग 110 किलो। और राजा लोग अपनी छाती पे यहाँ यहाँ सब लगा के चलते थे कवच, ठीक है। इनका जो कवच था वो भी बहुत वजनी था। इनका भाला लगभग 80 किलो का था, तलवार बहुत भारी थी। इतने बहादुर थे और इनके जीवन में भी बहुत संघर्ष रहा। एक बार स्थिति ऐसी आई कि इनको जंगल में घास की रोटियां खानी पड़ी थी। घास की रोटी, घास देख रहे हो तुम लोग, क्या हो इतना कष्ट के सह लिए, लेकिन अकबर के आगे झुके नहीं, है ना। और कोई रहता तो क्या करता?